बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्राहली सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर आब्दा अमीन हियर विद लेक्चर ऑफ फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर, सेशन 2021। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्रग की डेफिनेशन देखी थी और उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। ड्रग वो सब्सटेंस होते हैं जो कि मुख्तलिफ डिजीज़ की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, और सेल के बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन हमने देखी थी कि सेल के बेस पे ड्रग्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ओवर द काउंटर ड्रग्स और प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग्स जिनकी डिस्पेंसिंग के लिए, जिनको सेल करने के लिए किसी प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, उनको ओवर द काउंटर ड्रग्स कहा जाता है। और प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनकी सेल के लिए या डिस्पेंसिंग के लिए एक प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग हमने स्टार्ट की हुई थी प्रीवियस लेक्चर से, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो सेकंड उसकी क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। इस सोर्स के बेस पे ड्रग्स को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, या कौन से सोर्सेज हैं जो ड्रग्स के इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट सोर्सेज होते हैं ड्रग के, जहाँ से ड्रग्स को बनाया जाता है या हासिल किया जाता है। ये सोर्सेज कौन से हैं? नेचुरल सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स और सिंथेटिक सोर्स। ऐसे ही फिर ड्रग्स होंगी नेचुरल ड्रग्स, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स और सिंथेटिक ड्रग्स। पहले हम देख लेते हैं नेचुरल सोर्स, और इसमें सबसे पहले है प्लांट सोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स की डिफरेंट मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती हैं। हर प्लांट के कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जिनसे ड्रग्स हासिल की जाती हैं। और कोई एक पार्ट प्लांट का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सारे पार्ट्स ही इस्तेमाल होते हैं मेडिसिन बनाने में, या उनसे ड्रग्स हासिल की जा सकती हैं। चाहे वो लीव्स हों, फ्लावर्स हों, सीड्स हों, बार्क, रूट, स्टेम, हर पार्ट जो है उसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। और इनिशियली प्लांट्स ही यूज़ किए जाते थे मेडिसिन बनाने में या डिजीज़ की ट्रीटमेंट में। हम इसको देखते हैं, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। वो ड्रग्स जो कि प्लांट से हासिल की जाएँ, उनको प्लांट ड्रग्स कहा जाता है, और वो सोर्स जो है प्लांट सोर्स कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, रेजरपीन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रॉ वॉल्पिया सरपेंटिना। रेजरपीन एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि रॉ वॉल्पिया प्लांट्स की रूट्स से हासिल की जाती है। नेक्स्ट, सिनेमन एल्डिहाइड ऑब्टेन फ्रॉम द सिनेमन। स्टूडेंट, सिनेमन का नाम आपने सबने सुना होगा, घर में कॉमन इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, दारचीनी जिसको कहा जाता है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं फ्लेवरेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, और मुख्तलिफ मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है। डाइजॉक्सिन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द डिजिटेलिस लैनेटा। डाइजॉक्सिन एक कार्डियोटॉनिक ड्रग है, कार्डियक प्रॉब्लम्स में इसको इस्तेमाल करते हैं, और डिजिटेलिस प्लांट के लीव्स से इसको हासिल किया जाता है। सेम ऐसे ही आपने एक क्विनीन का नाम सुना होगा, क्विनीन जो है वो सिंकोना ट्री की बार्क से हासिल किया जाता है। क्विनीन एक एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया के मेडिसिन में इसको इस्तेमाल करते हैं। और कैस्टर ऑयल, कैस्टर सीड्स से इसको बनाया जाता है या हासिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है एनिमल सोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह प्लांट सोर्स में आपने देखा कि मुख्तलिफ प्लांट्स जो हैं वो मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे ही एनिमल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स बनाने में इनका एक रोल है, इनसे मेडिसिन हासिल की जाती हैं। मैनी एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। अब ये ड्रग्स जो हैं किस तरह इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में, कि उनके जो ग्लैंड्स की सेक्रीशंस होती हैं या कुछ फ्लूइड्स होते हैं वो हासिल किए जाते हैं, और उनको मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह वैक्सीन्स हैं, इंसुलिन, सेक्स हार्मोन, थायरोक्सिन। अब इंसुलिन जो है वो एनिमल्स के पेंक्रियाज से उसको बनाया जाता है, वहाँ से हासिल किया जाता है। थायरोक्सिन एनिमल्स के थायराइड ग्लैंड से हासिल किया जाता है। ऐसे ही मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दूँगी, हेपरिन जो है वो भी लीवर से हासिल किया जाता है, और कॉड लीवर आयल आपने सुना होगा, कॉड फिश के लीवर से इसको लिया जाता है। बीज वैक्स जो है शहद की मक्खियों से ये वैक्स तैयार की जाती है। नेक्स्ट हमारा सोर्स है माइक्रोबियल सोर्स। जिस तरह प्लांट्स और एनिमल्स इंपॉर्टेंट सोर्स हैं ड्रग्स बनाने में, या ड्रग्स का एक अहम हिस्सा है, अहम सोर्स है उसका,
ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी काफ़ी अहम मेडिसन्स जो हैं वो हासिल की जाती हैं, उनसे बनाई जाती हैं। दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ द मेडिसन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स द फॉलोइंग ड्रग्स। ये वो ग्रुप है ड्रग्स का जिनमें ड्रग्स को बनाया जाता है मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हुए। तो इस ग्रुप में कौन कौन सी मेडिसन्स इंक्लूड होती हैं? एंटीबायोटिक्स हैं, इंसुलिन्स हैं, वैक्सीन्स हैं। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। वैक्सीन्स जिस तरह हैं कि वो मुख्तलिफ प्रोसेस करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट लेके या होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके उसके फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है और उसको तैयार किया जाता है। कुछ और मैं एग्जांपल्स यहाँ आपको देना चाहूँगी कि पेंसिलिन जो है ड्रग वो हासिल की जाती है, पेंसिलियम मुटेटम एक ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे बनाई जाती हैं। इस तरह स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज़ होती हैं बैक्टीरिया की, उनसे बनाया जाता है इसको। बेसिट्रसिन एक एंटीबायोटिक है, बेसिलस बैक्टीरिया से इसको हासिल करते हैं। तो इससे हम ये चीज़ सामने आई कि मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी काफ़ी अहम रोल है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का एक अहम हिस्सा है इसमें मेडिसन्स बनाने में। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास इसका नेचुरल सोर्स है मिनरल्स का। मिनरल्स जो हैं मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं मेडिसन्स बनाने में, ये मेटालिक भी हो सकते हैं और नॉन मेटालिक भी हो सकते हैं। जिस तरह एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटाशियम एंड आयरन साल्ट्स, लिक्विड पैराफिन फ्रॉम द पेट्रोलियम, इनऑर्गेनिक मेटल्स में जैसे आयोडीन है, लिथियम है। तो शुअर्स हमारे बॉडी को कुछ ट्रेस एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं हमारे जो नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन रखने के लिए। जब ये एलिमेंट्स जो हैं लेवल से कम हो जाते हैं तो ये मिनरल्स या एलिमेंट्स जो हैं वो मेडिसिन फॉर्म में दिए जाते हैं ताकि फंक्शनिंग जो है नॉर्मल हो और लेवल जो है इन एलिमेंट्स का बरकरार रहे। अब ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपने देखी, जिस तरह आयोडीन है इसका इस्तेमाल एक एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक जो है एंटासिड के तौर पर हाइपर एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट एक पर्गेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जिंक ऑक्साइड जो है वो स्किन प्रोटेक्टेंट के तौर पर होता है। एक और मिनरल्स में से एक सिलीनियम होता है जो कि एंटी डेंड्रफ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है हमारा नेचुरल सोर्स तो कम्प्लीट हुआ, जिसमें आपने प्लांट सोर्स देखा कि प्लांट्स से मुख्तलिफ ड्रग्स हासिल की जाती हैं, माइक्रोबियल सोर्स आपने देखा कि मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए मेडिसन्स या ड्रग्स बनाए जाते हैं। इसी तरह एनिमल्स का आपने पढ़ा कि एनिमल्स का इस्तेमाल करते हुए ड्रग्स बनाई जाती हैं, उनकी सेक्रीशंस को इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आप इंसुलिन होती हैं या थायरॉक्सिन है, कॉड लीवर ऑयल है, हेपरिन ड्रग्स जो है वो एनिमल से हासिल की जाती है, और फिर आपने लास्ट जो था उसमें मिनरल्स का देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिकल सोर्स की तरफ अगर हम आएँ तो फिर केमिकल सोर्स में सेमी सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं और सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं, या सेमी सिंथेटिक सोर्स कह लें, सिंथेटिक सोर्स कह लें। तो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे सिंथेटिक ड्रग्स पढ़ना चाहूँगी कि ये आपके समझने के लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। सिंथेटिक ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ द ड्रग्स आर द मेडिसन दैट आर टोटली सिंथेसाइज इन द लेबॉरटरी बाई यूजिंग केमिकल्स एट द सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स जिस तरह आपने नेचुरल सोर्स में देखा कि उसमें किसी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं की जाती, प्लांट्स को इस्तेमाल किया जाता है या नेचुरल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो प्योरली लेबॉरटरी में ही सिंथेसाइज किए जाते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए लेबॉरटरी में बनाए जाते हैं या फार्मास्यूटिक्स लैब्स में बनाए जाते हैं। अब इसमें सिंथेटिक ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स आर द मेडिसन दैट आर टोटली सिंथेसाइज इन द लेबॉरटरी बाई यूजिंग केमिकल्स आर द सब्सटेंसेस। वो ड्रग्स जो कि लेबॉरटरी में बनाई जाती हैं या फार्मास्यूटिक्स की जो कंपनीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, उनमें इनको तैयार किया जाता है, उनको हम सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। इसमें किसी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं होती, जिस तरह नेचुरल सोर्स में नहीं होती ड्रग्स को जो केमिकली तैयार किया जाता है।
और आज के दौर में ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं वो क्लिनिकल लेबॉरटरीज़ में या फार्मास्यूटिकल लेबॉरटरीज़ में तैयार की जा रही हैं, वो सिंथेटिकली ही तैयार की जा रही हैं, जिनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं पैरासीटामोल, एस्पिरिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सल्फोनामाइड ड्रग्स जो हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं, बनाई जाती हैं, जो लेबॉरटरी में तैयार की जाती हैं। अब इसमें कुछ और एग्जांपल्स जिस तरह एंटी डायबिटिक्स हैं, एंटी हिस्टामिन जो कि एंटी एलर्जिक भी कहलाती हैं ड्रग्स, वो ड्रग्स होती हैं। अब हम देखते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? सेमी सिंथेटिक ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ द ड्रग्स आर द मेडिसन्स दैट आर सिंथेसाइज बाई यूजिंग कम्बाइंड सोर्स ऑफ द नेचुरल एंड सिंथेटिक वर्ल्ड। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स वो होती हैं जिनको हम प्योरली नेचुरल ड्रग्स भी नहीं कह सकते एंड प्योरली सिंथेटिक ड्रग्स भी नहीं कह सकते। ये हाइब्रिड हैं दोनों ही सोर्सेज का, यूँ कह लें कि दोनों ही सोर्सेज का मिलाप है ये, कि नेचुरल सोर्स से उसको हासिल किया जाता है और फिर उसको सिंथेसाइज किया जाता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स सेमी सिंथेटिक सोर्स उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमने ड्रग की एफिकेसी को बढ़ाना हो या उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करना हो, कि नेचुरली ड्रग को हासिल कर लिया जाता है फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है लेबॉरटरी में ताकि उसकी इफ़ेक्टिवनेस को ज़्यादा इम्प्रूव किया कर दिया जाए और उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर दिया जाए, तो वो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। जिसमें दोनों सोर्सेज का इस्तेमाल होता है वो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स कहलाती हैं। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ द ड्रग्स आर द मेडिसन्स दैट आर सिंथेसाइज बाई यूजिंग कम्बाइंड सोर्सेज ऑफ द नेचुरल एंड द सिंथेटिक वर्ल्ड। तो दोनों सोर्सेज को कम्बाइन किया जाता है, नेचुरल भी और सिंथेटिक भी। अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? एमोक्सिसिलिन है, सेफेक्सियम है, सेफ्ट्राइएक्सोन है। कुछ और एग्जाम्पल्स जिस तरह हैं मॉर्फिन की मॉडिफिकेशन करके या अल्ट्रेशन करके हेरोइन तैयार की जाती है, और इस तरह एट्रोपिन में मॉडिफिकेशन की जाए और फिर उसको हेमेट्रोपिन उसकी तैयार होती है, हेमेट्रोपिन तैयार की जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे ये केमिकल सोर्स भी ख़त्म हुआ। केमिकल सोर्स में मैं रिपीट कर देती हूँ, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं और सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स के दोनों सोर्सेज का जिसमें इस्तेमाल होता है, नेचुरल सोर्सेज का भी और सिंथेटिक सोर्स का भी। नेचुरल सोर्स से उनको हासिल किया जाता है और फर्दर उसका प्रोसेस किया जाता है लेबॉरटरी में, और ये सेमी सिंथेटिक ड्रग्स कहलाती हैं। जिस तरह एमोक्सिसिलिन है, सेफेक्सियम है, सेफ्ट्राइएक्सोन है, या मैंने आपको एग्जांपल दी कि मॉर्फिन में मॉडिफिकेशन की जाती है उससे हेरोइन तैयार की जाती है, और एट्रोपिन जो है उसमें मॉडिफिकेशन करके हेमेट्रोपिन तैयार करते हैं। एम्पिसिलिन जो है वो पेनिसिलिन जी की मॉडिफिकेशन से तैयार की जाती है। सेमी सिंथेटिक सोर्स में एक्चुअली स्टूडेंट्स का ये होता है कि नेचुरल सोर्स से जो ड्रग हासिल की है उसमें फिर कुछ मॉडिफिकेशंस या अल्ट्रेशन या कुछ चेंजेस की जाती हैं, तब्दीली की जाती है उसमें, ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके, उससे बेहतर इफ़ेक्ट्स हासिल किया जा सके। अब सिंथेटिक ड्रग्स हैं, सिंथेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो प्योरली लेबॉरटरी में बनाई जाती हैं, उनको तैयार लेबॉरटरी में किया जाता है, और आज जो है के दौर में सबसे ज़्यादा सिंथेटिक ड्रग्स ही इस्तेमाल हो रही हैं, जिस तरह पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, सल्फोनामाइड ड्रग्स हैं, ये इसकी एग्जांपल्स में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, यूँ कह लें कि ड्रग्स के मुख्तलिफ नाम हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द ड्रग के, ड्रग्स को किस तरह नाम दिया जाता है, ड्रग्स के कितने नाम होते हैं, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है जेनेरिक ड्रग। जेनेरिक ड्रग कौन सी होती है, या ड्रग का जेनेरिक नेम कौन सा होता है? दिज आर द नेम्स ऑफ द ड्रग्स दैट आर गिवन टू देम ऑन साइंटिफिक बेसिस। कि साइंटिफिक बेस पे ये ड्रग को जो नाम दिया जाता है वो जेनेरिक ड्रग कहलाती है। अब ये ड्रग जो है इसको हम ऑफिशियल नाम भी कह सकते हैं, किसी भी ड्रग का ऑफिशियल नेम भी होता है ये, या आप इसको नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी कह सकते हैं, नॉन ब्रांडेड नेम भी इसको कहते हैं, कोई भी नाम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जेनेरिक नेम जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, वो नाम जो किसी ड्रग का वो नाम जो उसकी साइंटिफिक बेस पे दिया जाए वो जेनेरिक नेम होता है। जिस तरह पैरासीटामोल, एस्पिरिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन है, और इसके अलावा एम्पिसिलिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये नाम जो है वो जेनेरिक नाम कहलाते हैं।
और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नेम होते हैं, हर जगह इसको जाना जाता है, पहचाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ब्रांड नेम की। दीज आर द नेम्स ऑफ द मेडिसन्स दैट आर गिवन ऑन द प्रोप्राइटरशिप बेसिस। ये वो नाम होते हैं ड्रग का जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी भी ड्रग को देती है, एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी उस मेडिसिन को जो नाम देती है वो ब्रांड नेम कहलाता है। इसको प्रोप्राइटरी नेम भी कहते हैं, ट्रेड नेम भी कहते हैं इसको। और ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस नेम की बेस पे ड्रग्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और ज़्यादातर प्रेस्क्रिप्शन में ये नाम ही ब्रांड नेम से ही प्रेस्क्राइब किए जाते हैं ड्रग्स। एग्जाम्पल जिस तरह आप पैरासीटामोल, पैनाडोल जो है वो इस्तेमाल होते हैं, डिक्लोरॉन है, डिस्प्रीन है। और उसके बाद हमारे पास है केमिकल नेम। दीज आर द नेम्स विच आर गिवन टू द ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। दीज आर द नेम्स विच आर गिवन टू द ड्रग्स। ये वो नाम है ड्रग का जो ड्रग को दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एटम्स, जो कि उसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं या उनका रिलेशनशिप क्या होता है उसकी बेस पे जो नाम दिया जाता है वो केमिकल नेम होता है। एक्चुअली ये नेम जो है वो रिप्रेजेंट करता है या रिवील करता है उसकी अरेंजमेंट को एटम्स की, और ग्रुप ऑफ एटम्स जो है किसी भी मॉलिक्यूल्स में मौजूद होते हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है या कौन से एटम्स मौजूद हैं या उनकी पोजीशन क्या है उस बेस पे इसको ये नाम दिया जाता है। और ये नाम जो है ये सूटेबल नहीं होता प्रेस्क्रिप्शन में लिखने के लिए, ना ही ये नाम जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये नाम उस वक्त दिया जाता है ड्रग को जब कोई एक न्यू केमिकल सब्सटेंस को बनाया जाता है या डेवलप किया जाता है। एग्जांपल्स में आप देखें एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड, ये एस्प्रीन का केमिकल नेम है। एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल, ये पैरासीटामोल का केमिकल नेम है। अब नेक्स्ट जो है वही चीज़ आप दोबारा यहाँ पे दी हुई है कि एसिटामाइनोफिन का केमिकल नेम जो है एन एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल, जेनेरिक नेम एसिटामाइनोफिन और पैरासीटामोल। अब यहाँ पे यूएसपी और बीपी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। एसिटामाइनोफिन यूएसपी, यूएसपी एक्चुअली एक ऑफिशियल बुक है उसके मुताबिक जो है इसको नाम एसिटामाइनोफिन दिया गया गया है। यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक इसका नाम जो है जेनेरिक नेम जो है वो पैरासीटामोल है, और इसके मुख्तलिफ जो हैं ब्रांड्स हैं एपीमोल, पैरामोल, पैनाडोल, डिस्प्रोल वगैरह जो हैं वो इसके ब्रांड नेम से ही अवेलेबल है। उसके बाद कीटोप्रोफिन है, उसका केमिकल नेम देखें 2,3-बेंजोइल फिनाइल प्रोपानोइक एसिड और जेनेरिक नेम कीटोप्रोफिन, ब्रांड नेम है इसके कीटोफैन, एल्कोफैन और प्रोफेनिड। एस्प्रीन के दिए हुए हैं केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड, जेनेरिक नेम एस्प्रीन, ब्रांड नेम डिवो, एस्पोसिड, जेस्पिरिन एंड द रेक्सोपिरिन। ये इसके कुछ एग्जांपल्स थी केमिकल नेम की, जेनेरिक नेम की, ब्रांड नेम की। अपने नेम याद रखने ही हैं इसके और उनकी एग्जांपल्स। जिस तरह केमिकल नेम क्या है जो उसके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की बेस पे दिया जाता है। जेनेरिक नेम जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नेम होता है, साइंटिफिक बेस पे जो ड्रग को नाम दिया जाता है वो जेनेरिक नेम होता है। और ब्रांड नेम जो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरर जो है वो किसी ड्रग को नाम देता है वो उसको हम ब्रांड नेम कहते हैं, और ये मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में जिस नेम से ड्रग अवेलेबल होती है वो ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है, और ये मुख्तलिफ ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा आज के लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।